नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अरे आंटी से नमस्ते कहो। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे बैठो ना। हाँ हाँ, मैंने सुना आपकी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैं आ गई आपसे मिलने। अरे बहुत अच्छा किया। तुम्हारा नाम क्या है? मधु। मधु? हाँ मैं पड़ोस में ही रहती हूँ आपके। अच्छा क्या करते हो? मैं फिलहाल तो पढ़ाई कर रही हूँ। नाइस, कौन से कॉलेज में? ये शंकर नारायण कॉलेज है ना, उसमें। शंकर नारायण कॉलेज? हाँ आपको पता नहीं होगा, आप नए नए आए हो ना इधर। हाँ ये बात तो है। अच्छा वैसे एक बात बोलूं, आपको कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो आप प्लीज मुझे बता देना। अरे मधु तुम आ गई हो ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना मैं तुम्हें बुला लूंगी। अच्छा ठीक है। और एक बात, आप ना मुझसे कोई बात छुपाना नहीं, मैं एकदम आपकी दोस्त जैसी हूँ। थैंक गॉड, कम से कम मुझे शहर में कोई तो एक अपना सा दोस्त मिल गया। मुझे भी। और तुम भी यहाँ पे आते जाते रहना, ठीक है? हाँ मैं तो बेझिझक, मैं तो आती जाती हूँ। देखो ये तो सुबह निकल जाते, मैं तो हमेशा बोर होती रहती हूँ। ठीक है आप कभी भी मधु बोल के बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है चलेगा। तो फिर मैं चलूं? अरे नहीं रुकना, कुछ खा के जा। अरे सुन, इनके दोस्त भी आ रहे हैं, उनसे मिलते हुए जाना, ठीक है? और कहाँ प्रसाद जी, कहाँ पे हैं? एक बार फोन तो लगाइए उनको। अभी तक पहुंचे नहीं। हेलो प्रसाद साहब। हाँ बोलिए। कहाँ तक पहुंचे अभी? अरे बस मैं आप लोगों के लिए फूल ही खरीदा। जरा जल्दी आइए, हम लोग वेट कर रहे हैं आपका। अरे बस मैं गाड़ी पार्क करके आपके। ठीक है, आई आई पहुंच। लो प्रसाद जी आ गए। नमस्ते। अरे नमस्ते 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 नमस्ते। शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। मैं वहां बैठ जाता हूँ। सॉरी भाई मैं शादी में आ नहीं सका, कि वो क्या था कि दिल्ली में मेरी कुछ जरूरी मीटिंग थी तो उसकी वजह से मैं आ नहीं सका, तो मैंने सोचा चलो घर पे चल के बधाई दे देते हैं। नहीं हमने तो शादी में आपको बुलाया था लेकिन आप। हाँ हाँ भाई आपका इनविटेशन व्हाट्सएप पे आया था, आजकल तो वैसे ही व्हाट्सएप का जमाना है। बड़ी खूबसूरत बीवी लेके आए भाई आप तो। जी नसीब है। आपकी बीवी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, इनको देखकर तो मुझे श्रीदेवी की याद आ गई। और ये बच्ची कौन है? ये मेरे पड़ोस में रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी नेवा रही है। गुड। इसका नाम मधु है। अच्छा मधु है, क्या कहती हूँ मधु? पढ़ाई कर रही हूँ फिलहाल। अरे वाह क्या बात, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और जॉब की जरूरत हो तो भाई मेरी कंपनी में आ जाना। रोहित जी काफी साल से एम्प्लॉयड है, आपके लिए भी कोई ना कोई काम मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली इन्होंने मुझे एंड मोमेंट पर बताया कि आप आ रहे हो और मैं कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर पाई। आप कुछ माइंड मत करना। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है भाई, पहले से कोई प्लानिंग तो थी नहीं, वो तो मैं यहाँ से अचानक निकला तो मैंने सोचा चलो भाई रोहित से मिलते हुए चलते, किसी दिन आऊंगा ना और फिर आपके हाथ का गरम गरम खाना खाऊंगा, तब फिर पार्टी में जाएंगे। जरूर। क्यों रोहित? जी गुड, क्यों नहीं। वैसे हाँ आपको काम से फुर्सत मिलती है सर। अरे मैंने तो आपसे नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया है, गुड। क्या बात है रोहित जी, आपकी वाइफ का नाम प्रिया है, गुड। प्रिया नाम की लड़कियां बहुत एम्बिशियस होती है। पढ़ा होगा आपने बुक में, है ना? गुड, आपकी वाइफ भी बड़ी एम्बिशियस है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं ज्यादा नहीं, 12 पास हूँ। अरे आपको देख के लगता नहीं कि आपने 12 पास किया है, मुझे तो लगा कहीं आप भी कहीं जॉब अप करते हो, रोहित से मुलाकात हो गई और फिर शादी कर ली। जी नहीं। शादी के पहले कहीं सर्विस करते थे क्या? जी नहीं। वाह क्या बात है, गुड। नहीं अगर कहीं कुछ करने का इरादा हो तो बता दीजिए, मेरी कंपनी में बहुत सारे जॉब है आपके लिए, वैसे भी मैं टैलेंटेड लोगों को जल्दी जॉब देता हूं। जरूर जरूर।
चलिए जी, मैं चलता हूँ, अभी निकलता हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा। ओके ठीक है सर, अभी तो आपने घर तो देख ही लिया, जब भी इस रास्ते से गुजरो जरूर यहाँ पर आना। ओके थैंक यू सो मच, चलिए बाय बाय। ओके बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते जी, आइए मैं छोड़ देता हूँ। आंटी ये प्रसाद साहब ना बहुत हैंडसम भी है, बहुत दिलचस्प भी थे। आपको एक बात पता है, वो ना आपको घूरे जा रहे थे कब से। हाँ तो क्या, कब से घूरे जा रहे थे, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मैंने तो ये सारी चीजें नोटिस नहीं की, मैं देख रही थी ना उन्हें, कहीं तेरा दिल तो उसमें नहीं आ गया। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ वो कहाँ, मतलब तू कहना क्या चाहती है। मैं तो बच्ची हूँ ना अभी, वो तो कितने बड़े हैं, दिख रही है बच्ची हूँ ना। अच्छा आप ना जरा संभल के रहना, कुछ ठीक नहीं लगे मुझे। मतलब तू कहना क्या चाहती है ठीक नहीं लगे, वो उनके बॉस है यार। पर जिस तरह वो आपको देख रहे थे घूर रहे थे तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। कहीं तुम उससे जलती तो नहीं है ना। अरे आंटी आपसे क्यों जलूंगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे नहीं मैं मजाक कर रही थी। अच्छा आंटी मैं जाऊं, ठीक है लेकिन कल आना फिर से। हाँ हाँ जरूर। ओके ठीक है बाय। चलो बाय, ख्याल रखना अपना। ओके चलो बाय। हेलो प्रिया जी। अरे आप ऐसे क्यों, मैं अचानक नहीं आ सकता। अरे उसी दिन तो आपने कहा था कि आपका घर है, जब इच्छा आ जाइए, तो मैंने सोचा भाई मैं आज ही आ जाता हूँ। नहीं नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन रोहित तो घर पे। हाँ हाँ मैं समझ गया। अरे भाई रोहित इस वक्त घर पे थोड़ी होगा, वो तो कंपनी में काम कर रहा है। और वैसे भी आज मैं रोहित से मिलने थोड़ी आया हूँ, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा आप हमसे मिलने आए। जी जी बोलिए। प्रिया जी आप मेरा मोबाइल नंबर ले लें। जरूर। 986 जी 906-8575। ओके। और जब भी आपका दिल हो मुझे कॉल करें। और हाँ याद रखें, अब तो मैं इस घर में तभी आऊँगा जब आप मुझे कॉल करके। जरूर जरूर। हाँ याद रखिएगा, वरना आपका नंबर भी मेरे पास आ चुका है, मैं आपको कॉल करके बाहर बुला लूंगा। ठीक है ना। गुड, तो अब मैं चलता हूँ, आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। चलिए मैं चलूं। नमस्ते आंटी। नमस्ते मधु। नमस्ते सर। अरे ये तो भाई मधु है ना जो उस दिन मुलाकात हुई थी। गुड गुड गुड। अच्छा अब आप लोग बातें बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। बाय बाय। हेलो प्रसाद सर। हाँ प्रिया जी, मैं आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था। सच में? हाँ सच में। और देखो आपने कॉल कर दिया ना। एक्चुअली हमें भी आपकी याद आ रही थी, हमने कहा चलो एक बार फोन पर बात ही कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है आपने कॉल किया। मैं बोल रही हूँ दोपहर को लंच का प्लानिंग करते हैं। क्या बात है प्रिया जी, सोने पे सुहागा। जी हाँ वो क्या है ना, डिनर का करेंगे तो वो आ जाएंगे, शाम तक फिर नहीं हो सकता, तो लंच करते हैं। ओके ओके प्रिया जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। आपके घर के पास में जो सन एंड साइन होटल है ना, उसकी लॉबी में मिलते हैं, ठीक है। जी हाँ तो आप वही आ जाइए। ठीक है लेकिन मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही दे पाऊंगी, उसके पहले मुझे घर आना है। अरे मैं आपको 6 बजे के पहले फ्री कर दूंगा। ठीक है फिर आज का प्लान करते हैं। Yes, sure, क्यों नहीं, why not? Okay, चले। मैं निकल रहा हूँ। ओके चलिए बाय, मिलते हैं। ठीक है, होटल पे मिलते हैं। ओके बाय। बाय। मेरे ख्याल से खाने में तो मजा आ गया होगा। हाँ। ठीक है ना? ये मेरी पसंद का होटल है, अक्सर मैं यहाँ खाना खाने आता हूँ। अच्छा लगा ना? बढ़िया। गुड। अब मेरी कुछ तमन्ना है वो आप पूरी कर दीजिए। मतलब? मतलब मैं आपको बता देता हूँ,
आइए ना। अरे आइए, आप शर्माइए मत, बैठिए बैठिए ना। अब हमसे भी क्या शर्माना भाई। मैं जानता हूं तुम अपने पति का प्रमोशन चाहती हो, वो तो हर पत्नी अपने पति का प्रमोशन चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। अब क्या कीमत देना है ये मुझे बताना पड़ेगा क्या? अरे प्रिया, ओके, अरे प्रिया जी, जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी आपको पसंद कर लिया था, पता है? अब वो क्या है भाई कि सबकी अपनी अपनी किस्मत है, ये सब अपनी अपनी किस्मत है। हाँ ठीक है। अरे मधु, ये भी कोई कहने की बात है? ठीक है तो शाम को आ जाना, ओके। अच्छा मधु, एक काम कर, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरे आप आ गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। ऑफिस में कुछ अनबन हुई है क्या? ऑफिस में नहीं तो? फिर प्रसाद सर कभी फोन नहीं करते आपको, और बहुत दिन हो गए आए भी वो नहीं। तो लंदन चले गए। लंदन चले गए? हाँ। ठीक है आप फ्रेश हो जाइए, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। तभी उनका कोई फोन और मैसेज नहीं आ रहा।